8 राज्यों के 41 लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए लगातार अभी भी प्रयास जारी है। 14 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 1150 मीटर की जो सड़क बननी थी ड्रिंक के लिए टनल के ऊपर, उस पर भी आज मशीन अभी थोड़ी देर पहले मशीन वहां पर पहुंचने वाली है और साथ ही साथ जिससे ड्रिलिंग किया जाएगा वो मशीन भी और वो ड्रिलिंग भी सामने अभी जाती हुई नजर आ रही टनल के दाईं तरफ। मैं अभी बिल्कुल टनल के पास मौजूद हूं और सभी 41 मजदूर सकुशल हैं, उन तक बराबर खाना वगैरह पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता में ये निकल के आया है। जो अभी की यदि बात करूं तो अगर मशीन की जो ब्लेड है वो फ्रंट साइड से जहां पर लगभग 7 से 9 मीटर मात्र बाकी रह गया जाने के लिए, वहां पर ब्लेड अंदर फंस गई है, टूट चुकी है और उस ब्लेड को काटने के लिए बैंगलोर से स्पेशल ब्लेड मंगाई गई है। वो जब पहुंचेगी टुकड़ों में काट करके उस ब्लेड को बाहर किया जाएगा और दोबारा ब्लेड लगाई जाएगी और दोबारा से ऑर्गर मशीन से उसी जगह पर दोबारा कार्य चालू किया जाएगा। और यदि वो सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं मजदूरों तक जल्दी से जल्दी कल यानी दोपहर तक वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और ऐसा अनुमान है उसी रास्ते से शायद सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि सभी फ्रंट पर जो 6 ऑप्शंस रखे गए थे सभी पर कार्य चालू है, ऐसे प्रेस वार्ता में बताया गया। महेश बोगणा, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी।